बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज बीएससी मैकेनिक्स है, चैप्टर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रॉब्लम है 17। इसमें एक शेल है जिसका मास m1 प्लस m2 के इक्वल है और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है। जब हमने प्रोजेक्ट किया तो विद वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके एक्सप्लोड कर गया दो फ्रेगमेंट्स में। उन फ्रेगमेंट्स का बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जबकि उसके जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, वो यू और वी आपको ना गिवन है। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रोजेक्टाइल है, राइट हो गया। ये प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया फ्रॉम सम पॉइंट ओ, यहाँ से ये लॉन्च किया हमने इसको, राइट हो गया। तो ये वी नॉट वेलोसिटी के साथ, और एंगल कितना ये सबटेंड कर रहा है, एंगल अल्फा बना रहा है। तो अब एंगल अल्फा बनाते हुए पॉइंट ओ से इसको हमने क्या किया, लॉन्च किया। तो ये मैक्सिमम हाइट पे जाके ये जो बॉडी था पहले इसकी, ये दो मैसेस थी m1 प्लस m2, ये टोटल मैस थी पहले, एक ही था पहले। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो ये फट के दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया। अब ये दो फ्रेगमेंट्स में एक फ्रेगमेंट यहाँ पर जाके गिरा है और सेकेंड फ्रेगमेंट कुछ आगे डिस्टेंस पे जाके गिरा है। तो अब आपने करना ये है कि इन फ्रेगमेंट्स का जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, कि इन फ्रेगमेंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रेगमेंट्स, दिस डिस्टेंस इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज़ हॉरिजेंटल, तो हमने हॉरिजेंटल जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी अंडर डिस्कशन आएंगी, तो उनको लेकर हमने ये सारे का सारा काम करना है। ये दो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया, जो बॉडी था m1 मैस अलग होगी एंड इसमें से m2 मैस अलग होगी। इसकी जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको हम v1 कह लेते हैं और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या कह देते हैं, v2 कह देते हैं, राइट हो गया। और यहाँ पे जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, दैट इज़ के हम क्या कहेंगे, u, इसको हम u कह देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, राइट हो गया। तो अब आपने करना कुछ यूँ है कि इसको लेकर, ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है इनको लेकर हमने क्या करना है, ये जब फटा है तो कुछ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एक्सप्लूजन की वजह से, दैट इज़ ई। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, m1 पहले एक ही था, m1 प्लस m2 into u, और बाद में ये दो फ्रेगमेंट्स में टूट गया, m1 u1 प्लस m2 u2। तो बिफोर जो मोमेंटम होगा इट वुड बी मास टाइम्स वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी अप टू कि ये यहाँ मैक्सिमम हाइट तक बॉडी क्या करे, अप्रोच करे। आपने ये बात याद रखनी, जब भी किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन आपने ये बात जहन में रखनी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, राइट हो गया। सिर्फ जो वेट होता है वो वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, इफेक्ट होगा ड्यू टू इट्स वेट। तो देखिए एक्सप्लूजन से पहले पहले तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, चूंकि एक्सप्लूजन हुई है, फटा है ये, तो इसके फटने से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होके v1 v2 में कन्वर्ट हो गया, और कुछ एक्सप्लूजन की वजह से एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेगमेंट्स ने क्या की, गेन की। तो इस वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटीज हैं आफ्टर एक्सप्लूजन ये चेंज हो गई हैं। अगर यहाँ पे कोई और एक्टिविटी ना होती, ऐसे ही मूव करता रहता पार्टिकल, तो आफ्टर मैक्सिमम हाइट के भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो सेम रहता, लेकिन अब की बार सेम नहीं होगा, बिकॉज एक्सप्लूजन हुई है, उससे कुछ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई है जिसकी वजह से वेलोसिटीज क्या हो गई, चेंज हो गई हैं। तो ये बिफोर मोमेंटम है एक्सप्लूजन से, और ये मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लूजन है। मास टाइम वेलोसिटी क्या होता है, मैसेज हैं, ये वेलोसिटी है, ये मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, ये बिफोर एक्सप्लूजन मोमेंटम है, ये आफ्टर एक्सप्लूजन मोमेंटम है, राइट हो गया। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं, नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, देखें एक्सप्लूजन से पहले पहले एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू यू का स्केयर प्लस ई, वो जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो भी पहले ही थी, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्केयर
प्लस हाफ एम टू वी टू स्केयर, ये वी वन वी टू कर लेते हैं इसको, वी वन वी टू ये आफ्टर जो वेलोसिटीज हैं वी वन वी टू से हमने इनको लेबल किया हुआ है, तो सो वी टेक वी वन वी टू। अब टू से मल्टीप्लाई कर दें और एम वन अब मल्टीप्लाई से करना, ये अब कुछ कैलकुलेशंस करनी है हमने, नथिंग एल्स, हमने रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाइंग बाय टू इंटू एम वन प्लस एम टू, इससे मल्टीप्लाई करें टू कट जाएगा, तो एम वन प्लस एम टू का स्केयर यू स्केयर प्लस टू इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू ई, टू से मल्टीप्लाई करें और मैथ से भी, तो यह आ जाएगा एम वन प्लस एम टू इंटू एम वन वी वन स्केयर प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू एम टू वी टू स्केयर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा एम वन प्लस एम टू स्केयर यू स्केयर प्लस टू इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू ई इज इक्वल टू, राइट साइड पे अगर मल्टीप्लाई करें तो एम वन स्केयर वी वन स्केयर प्लस एम वन एम टू वी वन स्केयर प्लस एम वन एम टू वी टू स्केयर प्लस एम टू स्केयर वी टू स्केयर, राइट हो गया। इसको टू का नाम दे दें। अब इसको टू का नाम देने के बाद स्केयरिंग वन, स्केयरिंग वन, वन का स्केयर करें, एम वन प्लस एम टू का स्केयर इंटू यू स्केयर इज इक्वल टू एम वन प्लस वी वन, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू का होल स्केयर। यहाँ पे स्केयर का फार्मूला ओपन करें, एम वन स्केयर वी वन स्केयर प्लस एम टू स्केयर वी टू स्केयर प्लस टू एम वन एम टू वी वन वी टू। तो ये दो ही हमने केसेस यूज़ किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आ गई इक्वेशन थ्री। अब टू में से थ्री को माइनस कर दें, राइट, टू में से थ्री को माइनस करेंगे तो आपके पास आफ्टर कुलियन जो होगी ना वो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो टू को लिखते हैं पहले, एम वन प्लस एम टू स्केयर इंटू यू स्केयर प्लस टू टाइम्स एम वन प्लस एम टू इंटू ई इज इक्वल टू एम वन स्केयर वी वन स्केयर प्लस एम वन एम टू वी वन स्केयर एम वन एम टू वी टू स्केयर प्लस एम टू स्केयर वी टू स्केयर। एंड द थर्ड इक्वेशन, एम वन प्लस एम टू का स्केयर इंटू यू स्केयर इज इक्वल टू एम वन स्केयर वी वन स्केयर प्लस टू एम वन एम टू वी वन वी टू प्लस एम टू वी टू का स्केयर, एम टू स्केयर वी टू स्केयर। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इन्हें, सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड द रेस्टिंग वैल्यू को हम लिखेंगे नीचे, एम वन प्लस एम टू इंटू ई इज इक्वल टू एम वन कॉमन ले लें, एम वन एम टू कॉमन लेके लिखे तो वी वन स्केयर प्लस वी टू स्केयर माइनस टू वी वन वी टू, ये आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है, अगर आप देखें राइट साइड पे, एक तो मैसेज को इधर मैसेज के पास लें, इधर आके डिवाइड कर दें, एम वन एम टू ये आके डिवाइड होगी इज इक्वल टू, यह अब आ जाएगा वी वन माइनस वी टू का होल स्केयर। अब एक काम करें, टू ई इंटू एम वन ओवर एम वन एम टू इसके नीचे भी डिवाइड कर दें और एम टू के नीचे भी एम वन इंटू एम टू इसको भी डिवाइड कर दें, वी वन माइनस वी टू का स्केयर होल अंडर रूट ले लें इसका, तो ये अब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई वी वन आफ्टर कुलियन, ये आपके पास क्या आ गई है रिलेटिव वेलोसिटी, टू ई इंटू वन ओवर एम वन प्लस वन ओवर एम टू, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, कि जब कुलियन के बाद इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी वन वी टू, तो ये v1 v2 का जब डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी।
अब रिलेटिव वेलोसिटी को लेकर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मली एस इज इक्वल टू वी टी सिंस डिस्टेंस इज एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस यहाँ पे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वी वन और वेलोसिटी वी वन माइनस वी टू है, और टी यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, राइट हो गया। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितने के इक्वल है, टाइम ऑफ फ्लाइट है आपके पास टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। तो ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हम लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से आगे इसको स्टडी करना है आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन के बाद जो टाइम होगा, ठीक है, हेयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाई टू, ये कैंसिल हो गया। टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा, आपके वी के इक्वल गिवन है, वी ओवर जी, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा वी वन माइनस वी टू की वैल्यू स्केयर रूट टू ई इंटू वन ओवर एम वन प्लस वन ओवर एम टू इंटू टी की वैल्यू वी ओवर जी। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द फ्रेगमेंट आएगा जब वो एक्सप्लोजन के बाद ग्राउंड पे जाके टकराएंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें, इसको आप बेशक नीटली कर लीजिएगा कि टाइम आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के बाद कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट हो गया, डिवाइडेड बाय टू। तो ये आ जाएगा आपके पास टू वी नॉट साइन अल्फा बाय जी और टू टू से कट गया, तो टी इज इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट साइन अल्फा की वैल्यू वी गिवन है, तो वी ओवर जी ये टाइम आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, ये अब आपके पास एक प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से कि आपके पास ना कोई दीवार है और एक गन है, राइट हो गया। आपके पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, दिस इज वॉल, ये आपके पास वॉल है, मैं वॉल की जस्ट थिकनेस आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये वॉल की थिकनेस है, राइट हो गया। अब यहाँ पे गन एक साइड पे फिट हुई है पॉइंट ओ पे, और इस गन के ऊपर कंडीशन ये है कि इसका जो एंगल है ना अल्फा, वो 45 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, राइट हो गया। और इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, वी नॉट इज इक्वल टू टू जी एच, और वॉल की जो हाइट है दैट इज स्मॉल एच। तो अब हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि क्या कंडीशन रखी जाए कि ये जो आपके पास फायर है ये इस दीवार के ऊपर से गुजर जाए। लीस्ट कंडीशन क्या है कि इस दीवार के ऊपर से हमने फायर को क्या करना है, पास करना है ओवर द वॉल, ये आ गया, राइट हो गया। तो अब इसको इस दीवार पर से पास करने के लिए कंडीशन हमने डिटरमिन करनी है, नंबर एक, और सेकंड चीज़ है इस दीवार की आपने थिकनेस भी फाइंड करनी है कि ये दीवार कितनी मोटी है, ये भी आपने क्या करना है बताना है। तो दो चीज़ें इसमें, एक तो वॉल की थिकनेस फाइंड करनी है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप क्या कंडीशन रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखें, हमने कंडीशन ये रखनी है कि इस फायर की जो हाइट है वो इतनी होनी चाहिए कि ये वॉल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो इसके लिए सिंस, पहले कुछ आप इंग्लिश अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वी नॉट वेलोसिटी है, कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच मेकिंग एंगल अल्फा टू द ग्राउंड टू थ्रो द शेल, कंसिडर अ शेल इज फायर्ड, शेल लिखें, टू थ्रो द शेल ओवर अ वॉल ऑफ हाइट h। अब देखते हैं जरा हाइट अटेंड बाय शेल
इज, हाइट का क्या फार्मूला है, एच डैश इज इक्वल टू टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा डिवाइडेड बाई टू जी। सिंस वी नॉट आपको गिवन है यहाँ पे टू जी एच, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, यह आ गया साइन स्केयर अल्फा अवर टू जी कैंसल हो गया, एच डैश इज इक्वल टू टू जी एच साइन स्केयर अल्फा अवर टू जी, टू जी को टू जी से कैंसिल कर दें, आ गया एच साइन स्केयर अल्फा। तो ये हाइट है किसकी, जो इस शेल ने अटेन करनी है। अब दिस हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द हाइट ऑफ द वॉल, सो द शेल मस्ट हैव, सो द शेल मस्ट अटेंड द हाइट एच डैश एस, कितनी हाइट, एच डैश मस्ट बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ द वॉल, सो दैट, देखिए अगर दीवार से आप दूसरी तरफ फेंकना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी हाइट, जो शेल हाइट अचीव करेगा ये वॉल की हाइट से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो अब ये कंडीशन है एच साइन स्केयर अल्फा, जब ये क्वान्टिटी ग्रेटर देन एच होगी तो एट दैट मोमेंट ये शेल क्या करेगा, दीवार से दूसरी साइड पर क्या करेगा, जाकर गिरेगा। अब अगर मैं इसको पॉइंट ले लूँ एज आ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, इसको वाई एक्सिस, तो अब ये जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है ये हाइट ऑफ द वॉल है, इसको हम लेबल करते हैं एच से, इसको डिनोट करते हैं राइट, ये एच और एक्स को अभी हॉरिजेंटल डिस्टेंस दो है हमारे पास, एक ये डिस्टेंस है एक्स वन दीवार की मोटाई मालूम करने के लिए और दूसरा ये है आपके पास एक्स टू। तो अगर आप ये थिकनेस ऑफ वॉल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप x2 ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट वुड बी व्हाट, थिकनेस ऑफ द वॉल। तो हमने ये कैलकुलेट करनी है x2 माइनस x1 राइट। तो अब इसके लिए हम काम करते हैं, इसको फिलहाल हम x का नाम दे देंगे और फिर x2 माइनस x1 हमने रूट्स लेके तो उससे कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते हैं, सिंस पॉइंट एक्स एच लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री, ये किस पे लाई करता है, ट्रेजेक्ट्री पे, तो सो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा अवर टू वी नॉट स्केयर, ये आ गई, ये एक्स और ये वाई की जगह पे एच पुट करेंगे तो एच इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा अवर टू वी नॉट स्केयर की वैल्यू आपको गिवन है टू जी एच का होल स्केयर, ये कैंसिल हो गया। तो अब आपने करना कुछ यहाँ, एच इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्केयर सीकेंड स्केयर अल्फा अवर टू इंटू टू जी एच, तो जी और जी कैंसिल हो गए तो फोर एच से मल्टीप्लाई कर दे, फोर स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच और यह आ जाएगा फोर कैपिटल एच टेन अल्फा इंटू एक्स एंड दिस वन इज सीकेंड स्केयर अल्फा इंटू एक्स स्केयर। अब इनको एक ही साइड पे कर लें, यह आ जाएगा सीकेंड स्केयर अल्फा इंटू एक्स माइनस फोर एच टेन अल्फा इंटू एक्स प्लस फोर एच इन टू एच इज इक्वल टू जीरो राइट। तो इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दो रूट्स एक्स के आएंगे आपके पास, ये क्वाड्रेटिक है इन एक्स, सो पोजेस टू रूट्स फॉर एक्स, टू रूट्स फॉर एक्स से एक्स वन एक्स टू, इज इट, ये दो रूट्स हमने एज्यूम कर लिए। अच्छा अब स्केयर के साथ जो होगा वो ए होगा, ये स्केयर के साथ ए है और एक्स के साथ जो होगा ये बी होगा राइट, और द रेस्ट वन इज व्हाट, सी, फोर स्मॉल एच इनटू एच। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना होता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी ओवर ए। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें सम ऑफ रूट्स जो होगा वो माइनस बी ओवर ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा आपके पास सी ओवर ए। तो ये सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज व्हाट सी ओवर ए। अब ये सम मीन एक्स वन प्लस एक्स टू और माइनस बी, तो बी की वैल्यू माइनस फोर एच टेन अल्फा डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो इसको ना ले दे के आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास फोर एच साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। चेक कर लें, सीकेंड स्क्वायर को कॉज ऊपर जाके बन जाएगा टेन, साइन ओवर कॉज करें और इसकी कटिंग करें। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वन इंटू एक्स टू, सी की वैल्यू कितनी है फोर एच एच डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर अल्फा, राइट हो गया। तो अब ये आ गया फोर एच इंटू एच कॉज स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब हमने बेसिकली एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड फाइंड करना था, तो इस पर्पज के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला को यूज करेंगे। सिंस एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन इंटू एक्स टू। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। अब एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू पुट करें, फोर एच साइन अल्फा कॉज अल्फा का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर एच कैपिटल एच कॉज स्क्वायर अल्फा। अब ये स्क्वायर ओपन कर दें तो यह आ जाएगा सिक्सटीन एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस सिक्सटीन एच कैपिटल एच कॉज स्क्वायर अल्फा, राइट। तो अब फाइनल स्टेप करते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दिस इज द फाइनल स्टेप। इसको x2 टू माइनस एक्स वन का स्केयर भी लिख सकते हैं। अब आप कॉमन ले लें, 16 एच स्केयर कॉज स्केयर अल्फा कॉमन ले लें, तो इट वुड बी व्हाट साइन स्केयर अल्फा माइनस स्मॉल एच साइन स्केयर अल्फा और माइनस स्मॉल एच, राइट। अंडर रूट ले लें तो बस ये आंसर आ गया, एक्स टू माइनस एक्स वन का मॉड इज इक्वल टू फोर कॉज अल्फा को आउटसाइड ले जाएं और ये आ गया कैपिटल एच इनटू एच साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एच। तो दिस इज द ब्रेथ ऑफ द वॉल, ये वॉल की क्या होगी, मोटाई होगी, ब्रेथ ऑफ वॉल। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर है 15। इसमें हमने क्या करना है, हमने एक शेल फायर करना है एक एरोप्लेन के ऊपर, जो कि एरोप्लेन उड़ रहा है अवे फ्रॉम द गन। ये एरोप्लेन फ्लाइंग कर रहा है और यहाँ से हमने इसको ना हिट करना है एक शेल के ज़रिए, एक गन है उससे हमने एक शेल फायर किया है, राइट। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा स्टार्टिंग में आपने अच्छे से समझना है कि एरोप्लेन वॉज अवर हेयर पॉइंट ए पे था जब हमने यहाँ से फायर ओपन किया, राइट, वी वेलोसिटी के साथ एंगल अल्फा बनाते हुए टू द हॉरिजॉन्टल। ये शेल हमने फायर किया इस एरोप्लेन पे जब ये ए पॉइंट पे था। अब ओ पॉइंट से शेल निकला और ए पॉइंट से एरोप्लेन निकला, राइट, ये, और ये यहां पे आके कहीं पे इसको क्या करेंगे, हिट करेंगे, दोनों मीट करेंगे पॉइंट बी के ऊपर। पॉइंट बी पे ये शेल आके एरोप्लेन को क्या करेगा, हिट करेगा, राइट। कहते हैं कंडीशन ये है कि अगर ये एरोप्लेन यहां पे स्टेशनरी हुआ तो तब भी ये शेल इसको क्या करेगा, हिट करेगा। तो इट्स मीन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा
वो भी ट्रेजेक्ट्री पे लाई करना चाहिए, और जो एंडिंग पॉइंट है जहां पे इसे एक्चुअली हिट करेगा वो भी कहां पे लाई करना चाहिए, ट्रेजेक्ट्री पे लाई करना चाहिए, राइट। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ए को हमने इसलिए ट्रेजेक्ट्री पे बनाया कि अगर ये स्टेशनरी रहा तब भी शेल इसको हिट कर जाएगा, अदरवाइज ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी नॉट के साथ अवे फ्रॉम द गन। तो ये वी नॉट, देखिए फिर हम एक दफा इसका जिक्र करते हैं। यहां से एरोप्लेन निकला है और यहां से फायर निकला है शेल, तो ये मूव करते हुए इस पॉइंट पे दोनों आके मीट किए हैं और शेल इसको क्या कर गया, एरोप्लेन को हिट कर गया। अब ये एरोप्लेन यहां पे भी हो सकता था, एनीवेयर हो सकता था, लेकिन उसने कंडीशन साथ ही अटैच की है कि अगर एरोप्लेन जिस पॉइंट पे उसने फायर को ओपन किया जब, तो अगर यहां पे स्टेशनरी पोजीशन में रहा तब भी ये शेल इसको क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा। तो इसका मतलब एरोप्लेन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई करेगा, और जब हिट करेगा शेल इसको एक्चुअली जिस पॉइंट पे, वो भी क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री पे ही होगा। तो ये कंडीशन है। अब हमने जो चीज़ यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि शेल का पॉइंट ओ से बी तक जाने तक का टाइम एक साथ निकले, इस पॉइंट से शेल निकला है और इस पॉइंट से आपके पास एरोप्लेन निकला एक साथ। हमने यहाँ पे एरोप्लेन को देखा साथ ही फायर ओपन कर दिया, राइट। तो यहाँ से एरोप्लेन निकला और ये शेल निकला, ये दोनों एक साथ पॉइंट बी पे अप्रोच कर गए। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग अवर हेयर इज टाइम टेकन बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी, राइट। ये कंडीशन आपने यूज करनी है, टाइम टेकन बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी, यानी एयरशिप ये ए पॉइंट से बी तक गया और शेल ओ से निकल के बी पे आके दोनों ने हिट किया, शेल ने आके एरोप्लेन को हिट किया बी पॉइंट पे। तो इट्स मीन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एयरशिप जितना टाइम टेक करेगा उतना टाइम शेल ओ से बी तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, टेक करेगा, राइट। तो ये टाइम टेकन बाय एयरशिप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी। तो ये पॉइंट आपने यहां पे जहन में रखना है, और ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे ए से बी तक एयरशिप का, और फिर हम हॉरिजेंटल के अलोंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, ये शेल का। तो ये दो डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट करके इनको कंपेयर करना है, क्योंकि ये सेम होंगे, ये और ये सेम होगा। एयरशिप का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है फ्रॉम ए टू बी, और इस शेल का हॉरिजेंटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है फ्रॉम पी टू क्यू। ये दोनों को फिर इक्वल रख के, इक्वेट करके रिक्वायर्ड कंडीशन को हम क्या कर लेंगे, डिटरमिन कर लेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एयरशिप जो है ना, ये एच हाइट कॉन्स्टेंट हाइट पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है। हाइट एच पे ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, वी नॉट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है तो डिस्टेंस का फार्मूला हम देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी, ये हम इसको डिनोट कर देते हैं ए बी से, इट वुड बी वेलोसिटी टाइम राइट हो गया, वी नॉट इनटू टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें। तो ये एरोप्लेन का डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, जो टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ये टाइम टेकन बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी, ये टाइम और टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी, ये इक्वल है। अब हम शेल को लेकर चलेंगे और शेल का हम इतनी हाइट अचीव करने तक का क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम के लिए आपने जो इक्वेशन यूज करनी है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सिंस एक्स इज इक्वल टू वी नॉट साइन, बल्कि वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो ये आपने वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज किया, सॉरी वी नॉट नहीं, वी है यहाँ पे कैपिटल वी से डिनोट किया है, तो इस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा इट वुड बी वी साइन अल्फा, और जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा इट वुड बी वी कॉस अल्फा। तो ये आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स हैं। तो अब चूंकि हम वाई हाइट इज कंसर्नड, यहाँ पे हाइट गिवन है आपको, कितनी हाइट पे हमने इसको लेकर जाना है शेल को, हाइट एच अचीव करने का जो टाइम है वो हमने कैलकुलेट करना है, राइट, क्योंकि हाइट एच पे एयरशिप फ्लाई कर रहा है तो इसको इसने हिट करना है, तो फॉर दैट सेक दिस शेल मस्ट हैव टू फ्लाई अवर हाइट एच। तो अब इसलिए हम ये y इज इक्वल टू, ये वर्टिकल डिस्टेंस के लिए है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यूज करेंगे, दैट इज v साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, या यू कह लें कि जो वेलोसिटी हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन पढ़ी थी वो पैरामीट्रिक फॉर्म हमने यूज की है, y इज इक्वल टू वी नॉट, और इसकी जो आपके पास दूसरी फॉर्म होती है x इज इक्वल टू v cos अल्फा इन टू टी। तो प्रीवियस प्रॉब्लम्स में यहाँ पे v की जगह पे v नॉट होती थी, अब की बार उसने चेंज कर दिया है, एरोप्लेन की वेलोसिटी को v नॉट कह दिया है और शेल की वेलोसिटी को v कह दिया है। तो सो आपने इस डिफरेंस को माइंड में रखते हुए प्रोसीड करना है। तो पुट y कितने, हमने कितनी हाइट अटेन करवानी है, h हाइट अटेन करवानी है, तो h इज इक्वल टू v साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, राइट। अब यहां से 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2h इज इक्वल टू वी साइन अल्फा इन टू टी माइनस जी टी स्केयर। तो आपने ये काम करना है, जी टी स्केयर माइनस वी साइन अल्फा इन टू टी प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब इट इज क्वाड्रेटिक इन टी, इट इज क्वाड्रेटिक इन टी, तो ये देखें हाइट h दो दफा अटेन होगी, एक दफा ए पॉइंट पे हाइट एच अटेन होगी, दूसरी दफा बी पॉइंट पे, बिकॉज ये कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, तो ये जितनी हाइट ये इतनी ये भी होगी, तो दो पॉइंट्स पे तो दो टाइम होंगे, एक ए पॉइंट पे पहुंचने तक का टाइम और दूसरा बी पॉइंट तक पहुंचने तक का टाइम, तो ये इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू जी आ जाएगा और बी इज इक्वल टू माइनस वी साइन अल्फा आ गया एंड सी इज इक्वल टू कितना आ गया 2h, राइट। तो t इज इक्वल टू माइनस बी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, b स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करें, b की वैल्यू माइनस v साइन अल्फा प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस v साइन अल्फा का स्केयर माइनस 4 इंटू जी इंटू 2h डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हम जी पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू वी साइन अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस 8gh डिवाइडेड बाय 2g, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया कि जितना टाइम लगेगा, दो टाइम आ रहे हैं अगर आप नोट करें तो, एक आपके पास प्लस में वो ज़्यादा वाला टाइम होगा, बी पॉइंट वाला होगा डेफिनेटली प्लस के साथ ज़्यादा टाइम, और माइनस वाला कम टाइम ओ तक आएगा। तो ये दोनों टाइम्स को हम देख लेते हैं, और एक को मैं टी इज इक्वल टू वी साइन अल्फा प्लस वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस 8gh डिवाइडेड बाय 2g कह देते हैं, और दूसरे को टी प्राइम कह देते हैं, वी साइन अल्फा माइनस स्केयर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस 8gh डिवाइडेड बाय 2g, राइट। तो ये दो टाइम्स आपके पास आ चुके हैं। अब इन टाइम्स में बारी बारी हमने इनको लोकेट करना है कि ये टाइम्स क्या है बेसिकली। सो टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक जो टाइम होगा दिस वुड बी टी इज इक्वल टू वी साइन अल्फा, ये टी प्राइम वाला मैंने लिया यहां पे, स्केयर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस 8gh बाय 2g, और टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी, ये कितना होगा टाइम, इज इक्वल टू वी साइन अल्फा प्लस अंडर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा
माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय टू जी, राइट। तो ये दो टाइम आ गए। अब इस टाइम को आप क्या कर सकते हैं, वन में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये दो टाइम्स इक्वल हैं। टाइम टेकन बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी, ये दोनों इक्वल हैं। तो ओ से बी वाला टाइम, और अच्छा जी, तो ये आपके देखें टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी, तो टाइम टेकन बाय शेल फ्रॉम ओ टू बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी, ये इक्वल हैं। तो सो वन में इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसे आप कहां पे यूज करेंगे, पुट इन वन। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये वी नॉड इन टू वी साइन अल्फा प्लस स्केयर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय टू जी। तो वी नॉड को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो वी नॉड वी साइन अल्फा प्लस स्केयर रूट वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय टू जी। अब हमने करना यह है कि ओ से पी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओ से पी तक का हमने ये टाइम टी प्राइम लिया हुआ है, और इसी तरह ओ से क्यू तक का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसको टी कहा हुआ है। फिर इसमें से ये वाला ओ पी वाला डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। तो हमने पी क्यू कैलकुलेट करना है, फिर इनको कंपेयर करेंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, राइट। हो गया, तो अब देखते हैं जरा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, तो सिंस एक्स किसके इक्वल होगा, वी कॉस अल्फा इन टू टी, तो वेन एक्स इज इक्वल टू ओ पी, राइट। ये एक्स जब ओ पी के इक्वल होगा ना, तो टाइम किसके इक्वल होगा, टी प्राइम के। इसको मैंने टी प्राइम ये भी रखना है, बाद में एंड पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो ओ पी आ गया वी कॉस अल्फा इन टू टी प्राइम, राइट। और व्हेन एक्स इज इक्वल टू ओ क्यू, तो टी को टी ही रहने देना है आपने, क्योंकि टी अब सेकंड आ गया। तो ओ क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, वी कॉस अल्फा इन टू टी, राइट। अब पी क्यू कितना होगा, पी क्यू, पी क्यू यू कैन सी कि ये ओ क्यू माइनस ओ पी के इक्वल होगा, राइट। पी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू ये टोटल है, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये पीछे डिस्टेंस रह जाएगा, राइट, पी से क्यू तक। तो फिर देख लें, ओ से क्यू तक का डिस्टेंस, उसमें से ओ से पी माइनस कर दें तो पीछे पी क्यू आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू वी कैन सी के वी कॉज अल्फा इंटू टी है, और ओ पी की वैल्यू अगर हम चेक करें तो वी कॉज अल्फा इंटू टी प्राइम है। तो अब वी कॉज अल्फा को बाहर कॉमन ले लेते हैं, टी माइनस टी प्राइम। अब टी और टी प्राइम की वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यह आ गया वी कॉज अल्फा, ये थोड़ा सा हम शॉर्ट मूव करेंगे, तो आपने इसको चेक कर लेना है कि ये कैसे हमने किया होगा। तो ये आपके पास जो टर्म्स बचेंगी ना, ये बचेगी टू अंडर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय टू जी। टू को टू से काट डालें तो पी क्यू आपके पास जो आ जाएगा, इट वुड बी वी कॉज अल्फा इन टू अंडर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय जी, राइट। तो यू कैन सी के पी क्यू अब हमारे पास आ गया। तो आपने जस्ट ये दो टाइम्स जो निकाले थे ना, ज़्यादा वाले को आपने बी तक के लिए रखना है और कम वाले को पी ए तक के लिए, और इनको रख के हमने हॉरिजेंटल के अलॉन्ग डिस्टेंसेज कैलकुलेट किए। और अब पी क्यू भी आ गया और ए बी भी आ गया, इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब देखें पी क्यू और ए बी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। पी क्यू और ए बी आपस में इक्वल हैं। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, तो पी क्यू और ए बी की वैल्यूज यूज करें। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, वी कॉज अल्फा स्केयर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू, ए बी आपके पास कितना है, ए बी है आपके पास वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट इंटू वी साइन अल्फा प्लस स्केयर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच डिवाइडेड बाय टू जी, इज इट।
तो अब जी जी से कैंसिल हो जाएगा, टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टू वी कॉस अल्फा स्क्वायर रूट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एट जी एच माइनस स्क्वायर रूट वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एट जी एच, इज इट। ये अब हमने ना क्या किया, इज इक्वल टू ये लिखते हैं, और मैं इसको फिर ये जगह चेंज कर दिया, ये स्केयर रूट वाला पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया, वी नॉट वी साइन अल्फा, और इसको फिर इस साइड पे लें तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से आप कॉमन ले लें अंडर रूट वाले को, टू वी कॉज अल्फा माइनस वन इन टू अंडर रूट वी स्केयर साइन स्केयर अल्फा माइनस एट जी एच इज इक्वल टू वी नॉट वी साइन अल्फा, तो एज रिक्वायर्ड। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा यार, ये v नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करना था, हमने जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना था, तो v नॉट को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो ये v नॉट आ जाएगा। तो अब इस v नॉट को यहाँ पे भी हमें प्लेस करना पड़ेगा, v नॉट इट वुड बी अवर हेयर v नॉट एंड दिस वन v नॉट, राइट। तो नाउ दिस इज ओके। अच्छा भी अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट है, वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, राइट, और यहाँ पे कोई एरोप्लेन जो है ना वो उड़ रहा है, दिस इज़ द पॉइंट कांस्टेंट हाइट एच पे ये जो प्लेन है एयरशिप है ये फ्लाई कर रहा है, इट इज़ स्मॉल एच नाउ और वी नॉट इसकी स्पीड है, राइट। हो गया, हमने क्या करना है, एक शेल को फायर करना है पॉइंट ब्लैंक टू द एयरशिप, मीन टू से कि जिस पॉइंट पे हमने एयरशिप को देखा उसकी तरफ मोड़ के स्ट्रेट अवे हमने क्या कर दिया, फायर ओपन कर दिया, राइट। तो ये फायर की डायरेक्शन है स्ट्रेट टू द पॉइंट ब्लैंक टू द एयरशिप, बट यू कैन सी कि ये इट इज़ अनगाइडेड शेल, तो डेफिनेटली ये किसको फॉलो करेगा, ट्रेजेक्ट्री को, अनपावर्ड अनगाइडेड है तो ये ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, तो दिस शेल माइट गेट डाइवर्ज्ड, अपने पाथ से ये डाइवर्ट हो जाएगा और ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, राइट। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फायर, ये आ गई। आई एम ट्राइंग टू मेक इट सम नीट पिक्चर, ये आ गया। तो हमने फायर जो ओपन किया था ये v वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ हमने इसको फायर किया प्लैंक पॉइंट ब्लैंक टू द एयरशिप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी, राइट, पॉइंट ब्लैंक टू द, बट जो शिप है वो रेस्ट में नहीं है, डेफिनेटली वो मूव कर रहा है, तो ए पॉइंट पे पहले था व्हेन सीन और ये मूव करता हुआ पॉइंट बी पे आएगा, तो पॉइंट बी पे इसको शेल ने क्या कर देना है, हिट कर देना है, राइट। हो गया, तो अब ए से बी तक जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा ये बड़ा सिंपल है, ए से बी तक अभी हमने लास्ट में किया था, इट इज़ सेम एज के वी नॉट को टाइम से जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ मल्टी मूव कर रही हो तो एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, जस्ट उसकी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है उसका, राइट। हो गया, लेकिन हमने कुछ और कैलकुलेशंस भी करनी है यहाँ पे, उनको हम देखते हैं कि कैसे वो कैलकुलेशन की जा सकती हैं। तो इसको ना ए बी सी का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को डी का नाम दे देते हैं और दिस इज टेकन एज ओरिजिन, इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, राइट। हो गया, तो अब हमें ओ सी कैलकुलेट करना है जो कि हम राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं यहाँ पे, तो ओ सी के बाद ये सी डी आपके पास यहाँ से आ जाएगा, एयरशिप का डिस्टेंस दिस वन एंड दिस वन मस्ट बी इक्वल, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओ डी आपके पास यहाँ पे, अगर जो पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो एच होगा वर्टिकल, हाइट तो कॉन्स्टेंट है, एच वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा और जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होगा इट वुड बी ओ डी, तो नाउ वी आर गोइंग टू सर्च फॉर ओ डी कि ओ डी कैसे डिटरमिन किया जा सकता है, राइट। तो पहले हल्की फुल्की सी इंग्लिश लिख लेते हैं। अच्छा भाई, इसमें हमने ये डिस्क्राइब किया प्रॉब्लम को, इसको आप देख लीजिएगा
कि एयरशिप कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट के साथ एट कांस्टेंट हाइट एच पे फ्लाई कर रहा है, अवे फ्रॉम द गन ये मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एयरशिप फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी तक जाने के लिए जो टाइम डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा ए बी, इट इज़ वी नॉट टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को टाइम टेकन जो भी होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरशिप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी आ जाएगा, राइट हो गया। अब हमने शेल फायर किया डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक टू द एयरशिप, राइट, एयरशिप के ऊपर डायरेक्टली हमने इसको फायर को ओपन किया एंगल थीटा बनाते हुए वेलोसिटी वी नॉट के साथ, और डेफिनेटली ये ए पे ही हिट नहीं करेगा क्योंकि एयरशिप भी मूव कर रहा है, शेल ने कर्व पाथ को मूव करना है, यहाँ पे थोड़ी सी ना इसका डाइवर्जेंस होगी, ये डाइवर्ट करेगा अपने पाथ से क्योंकि इसने ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करना है, ये पावर्ड नहीं है, अनपावर्ड है, तो ये शेल ने जाके ना पॉइंट बी पे इसको क्या करना है, एयरशिप को हिट करना है। तो अब ये अगर इस पॉइंट पे हिट करेगा तो अब हमारे पास ये फिगर जो कुछ बता रही है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लेने के बाद हमने जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो यूज़ करेंगे, टाइम को हम एलिमिनेट करेंगे, तो रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, कुछ प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, कंडीशन प्रूव करनी है कि जो ये बताएगी कि ये जो है ना शेल अंडर व्हाट कंडीशन इसको हीट करेगा एयरशिप को, एयरशिप को ये अंडर व्हाट कंडीशन हीट करेगा ये हमने बताना है। तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, एंड दिस वन इज व्हाट बेस, हमें ओ सी चाहिए और हाइट यानी परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है टेन थीटा, तो इन ट्राइंगल ओ ए सी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है एच और बेस आपके पास है ओ सी, ओ सी को इस जानिब लें और टेन थीटा को इधर डिवाइड कर दें, टेन थीटा सीधा होके क्या बन जाएगा एच कॉट थीटा, राइट, तो ये ओ सी आ गया। नाउ यू कैन सी के ओ डी हमें चाहिए, तो ओ डी किसके इक्वल होगा, ओ डी कैन बी रिटन एज, इसको हम देख लेते हैं ओ डी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ डी को हम लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी डी, ओ सी सी पे ये ब्रेक हो रहा है तो ओ सी प्लस सी डी, इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ओ डी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ओ सी कितने आपके पास एच कॉट थीटा और सी डी इज व्हाट, इट इज ऑलरेडी मेंशनड ओवर हियर, सी डी को आप देख सकते हैं ये ए बी के इक्वल है, तो सी डी ए बी के इक्वल है, यहाँ पे आप लिख दें सिंस सी डी इक्वल है ए बी के, राइट, तो ए बी की जगह पे ए बी की जो भी वैल्यू आपके पास नज़र आ रही है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यह आ जाएगा वी नॉट इन टू टी, तो दिस इज व्हाट ओ डी, तो ओ डी आपके पास कितना आ गया एच कॉट थीटा प्लस वी नॉट इन टू टी, ये अब आपके पास से पॉइंट आ गया, तो नाउ पी एच कॉट थीटा प्लस वी नॉट इन टू टी, और ये एच लाइज ऑन ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री पे पॉइंट लाइक, ओ डी को ना हमने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यहां पे टाइम में पैरामीट्रिक यूज करनी है, जब भी टाइम इज कंसर्न तो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करनी है, तो इट इज वी कॉस थीटा, वहां पे पहले वी नॉट कॉस अल्फा होता था, अब यहां पे एंगल थीटा और वेलोसिटी वी है, तो सो वी नॉट की जगह पे वी आ जाएगा, अल्फा की जगह पे थीटा आ जाएगा, इन टू टी आ गया, राइट, और वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट नहीं सॉरी वी साइन थीटा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, तो अल्फा थीटा से रिप्लेस हो गया और वी नॉट वी से रिप्लेस हो गया। अब आपने करना कुछ यूं है कि ये एक्स की जगह पे पुट करेंगे, ये वाई की जगह पे पुट करेंगे, और उसके बाद टी की वैल्यू निकाल के आप क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एच कॉट थीटा प्लस वी नॉट इन टू टी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इन टू टी, टी वाले को इस साइड पे लें तो एच कॉट थीटा इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इन टू टी माइनस वी नॉट टी, तो यहाँ से टी कॉमन निकाल लें तो एच कॉट थीटा इज इक्वल टू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट इन टू टी, इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इज इक्वल टू एच कॉट थीटा डिवाइडेड बाय
वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट, राइट। इसको आप यहां पे टू में पुट कर दें। अच्छा टू में पहले ना ये देखें y, पुट y इज इक्वल टू, यहां पे y किसके इक्वल है h के, तो ये h इज इक्वल टू v साइन थीटा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। तो इसको आप टू ले लें आप, और अब ये टू में वैल्यू आपने पुट करनी है, तो पुट इन टू, पुट इन टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जो हमने डिटरमिन करनी थी। तो ये आ जाएगा वी कॉज सॉरी वी साइन थीटा, वी साइन थीटा इन टू टी की वैल्यू एच कॉट थीटा अवर वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट माइनस वन बाई टू जी एच कॉट थीटा अवर वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट का स्केयर। तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा कॉट कॉज अवर साइन होता है राइट, कॉज अवर साइन, तो ये साइन और इधर से कॉज अवर साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा वी एच कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट माइनस एच स्केयर कॉट स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय टू इंटू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट का स्केयर। तो ये आ गया, अब आपने टू वी नॉट के स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय टू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट का स्केयर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, टू इंटू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट का स्केयर इंटू एच इज इक्वल टू वी एच कॉस थीटा इंटू वी कॉस थीटा, ये टू विल अपियर आउटसाइड, टू इंटू वी नॉट वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट, तो ये आ जाएगा टू माइनस वी नॉट माइनस जी एच स्केयर कॉट स्केयर थीटा, राइट। तो अब आपने इसको इस डायरेक्शन में कर दें, टू इंटू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट का स्केयर एच माइनस टू वी एच कॉस थीटा इंटू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एच स्केयर कॉट स्केयर थीटा। अब जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लें और बाकी इसको सीधा सीधा कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक एच कॉमन लेके सब में से कैंसिल हो रहा है राइट, और बाकी आप कॉमन क्या ले सकते हैं, टू इंटू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट कॉमन ले लें, तो ये एक वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट ये बचेगा, एंड यहाँ पे वी कॉस थीटा बच जाएगा, माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस जी एच कॉट स्केयर थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो कॉट इस साइड पे आके टेन बन जाएगा, तो टू इंटू वी कॉस थीटा माइनस वी नॉट, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू जी एच। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये कंडीशन हमने प्रूव करनी थी कि अंडर दिस कंडीशन ये जो शेल हमने फायर किया है और ये जो एयरशिप है ए पॉइंट पे फ्लाई कर रहे थे, जब हमने देखा पॉइंट ब्लैंक टू दिस पॉइंट हमने फायर ओपन किया और बी पॉइंट पे ये इसको क्या कर गया, हिट कर गया, तो इसके लिए ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करना चाहिए।